हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, अगर नहीं करा तो अभी करें। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ छोटा सा रिव्यू शेयर करूंगी शैम्पू और कंडीशनर का। तो ये ब्रांड है केयर क्रू कॉस्मेटिक, इसके आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो। और ये एक मेड इन इंडियन और इंडियन बेस्ड ब्रांड है, तो आप इसको ट्राई ज़रूर करना। और ये है इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। और कंडीशनर शैम्पू की बॉटल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। तो ये इनका कंडीशनर है और इसमें लाइक सिलिकॉन फ्री है, पैराबिन फ्री है और 56% बालों को जो ब्रेकेज हो जाता है उसको रिपेयर करता है, रिड्यूस करता है ब्रेकेज को। और ये सबसे अच्छी बात है, किसी भी टाइप के हेयर के लिए ये सूटेबल है। और अगर आपने बालों में कलर वगैरह भी करा रखा है तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, सबसे अच्छी बात यही है। इसकी कंसिस्टेंसी थिक है और अच्छे से आपके बालों पर स्प्रेड हो जाती है, कंडीशनिंग करती है, आपके जो ड्राई फ्रिजी हेयर है उसको स्मूथ बनाती है, तो आप इसे ट्राई दे सकते हो। दूसरा जो है इसका शैम्पू है और शैम्पू की बॉटल भी सेम है ऑलमोस्ट। और ये शैम्पू सल्फेट फ्री है, तो आपके बालों को बिल्कुल डैमेज नहीं करेगा। और ये शैम्पू और कंडीशनर 10 मिनट के अंदर काम करता है। तो इसकी कंसिस्टेंसी जैसे शैम्पू और होते हैं वैसी ही है, थिक रनी टाइप की है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, रनी टाइप की ही है। अच्छे से आपके बालों को, स्कैल्प को क्लीन करता है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो 8 से 10 बार इस शैम्पू को यूज़ करेंगे तभी आपको विजिबल रिज़ल्ट दिखेगा। एक वॉश में तो आपके बाल क्लीन हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, बट जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके बाल अच्छे होंगे वो आपको कम से कम 8 से 10 बार यूज़ करने के बाद ही दिखेगा। तो आप इसे ट्राई दे सकते हो। ये था मेरा छोटा सा रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इसकी जो भी बाइंग लिंक मुझे मिलती है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हो।